जय हिंद साथियों, आप सभी का सैनिक वेलफेयर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन के बारे में। वन रैंक वन पेंशन के बारे में एक नई अपडेट निकल के आ रही है। क्या है वो अपडेट, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने 3 घंटे पहले एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने वारोपी जर्नी के बारे में बोला, यानी वारोपी का सफर कैसा रहा, कब ये स्टार्ट हुआ था, कब लास्ट जो फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 16 सितंबर 2022 को दिया गया, वहां तक की जर्नी इन्होंने सारा यहाँ पर बताया गया। तो इन्होंने कहा कि जो हमारी आउटस्टैंडिंग डिमांड थी गवर्नमेंट के साथ, और गवर्नमेंट ने उसमें प्रॉमिस किया था कि जो भी इनकी डिमांड है उसको हम ग्रांट करेंगे। सर्विसमैन द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था 27 अप्रैल 2008 को ये स्टार्ट हुआ था और सारे देश में इसका प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। फाइनली 7 नवंबर 2015 को जो एनडीए गवर्नमेंट द्वारा वारोपी पर जो निर्णय लिया गया, उसको जो लागू किया गया, वो थी लंगड़ी वारोपी, उसका नाम दिया इन्होंने, क्योंकि वो वन रैंक मैनी पेंशन उस पर आ रही थी, वन रैंक वन पेंशन नहीं है। और जो इक्वलाइजेशन उस पर होना था वो 1 जुलाई 2019 से होना था, वो भी अभी तक कैरी आउट नहीं हुआ। तो ये सारी डिटेल उन्होंने अटैच किए दोस्तों, जानते हैं इस लेटर में यूपी गवर्नमेंट में क्या हुआ, एनडीए गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा सफर इस लेटर में दिया है, आप यहाँ से इसको पढ़ भी सकते हैं। वारोपी जर्नी यूपीए पब्लिक एनडीए गवर्नमेंट दोनों का उन्होंने बयान किया है यहाँ पर। ये यूपीए का गवर्नमेंट के टाइम का है, 30 जून 2019 से 26 फरवरी 2014 तक था, फिर एनडीए गवर्नमेंट आई 15 सितंबर 2013 से लेके इसका सफर रहा 16 सितंबर 2022 तक दोस्तों। तो इसका की पॉइंट उन्होंने लिखे नीचे क्या रहा इसमें, वो हम पढ़ लेते हैं। एनालाइज किया उन्होंने कि जर्नी जो वन रैंक वन पेंशन की थी, इंडियन एक्सर्सेंट मूवमेंट के द्वारा जो लिया गया उसमें क्या गया, नंबर 1A पॉइंट में बताया जो इसकी डेफिनेशन थी, इसका कंसेप्ट और डेफिनेशन चेंज कर दिया गया था, ये इस पर एक क्वेश्चन था। नंबर 2, जब 16 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें इंडियन एक्सर्सेंट मूवमेंट ने इसमें एग्री नहीं था, क्योंकि इसका डेफिनेशन चेंज हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने मांग की थी कि इसको वन रैंक वन पेंशन करो, जबकि ये वन रैंक डिफरेंस पेंशन होके इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। सी में उन्होंने बताया कि बोथ यानी यूपीए एंड एनडीए जो गवर्नमेंट थी, इन्होंने सोल्जर को एश्योर किया था कि आपकी वारोपी ग्रांट हम करेंगे, इंप्लीमेंट जरूर करेंगे, लेकिन ओरिजिनल जो डिफिनेशन थी उसमें जो है बदलाव कर दिया गया, जैसा कि हमने ऊपर भी इसमें बताया। डी में उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट को चाहिए वारोपी एरियर्स जो 1 जुलाई 2019 से, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 16 मार्च 22 और 16 सितंबर 22 तक का जो समय दिया है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करें तो होनी चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की अपडेट, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।